कोरोना महामारी के चलते त्योंथर में पंचायत सचिव की अच्छी पहल सामने आई है। पंचायत सचिव ने गांव को कोरोना मुक्त रखने के लिए जागरूकता अभियान चलाया है। गांव में लोगों को मास्क पहनने और सैनिटाइजर का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है। त्योंथर के तुर्कागोदर गांव में पंचायत सचिव की अनोखी पहल देखने को मिली है, जहां गांव को कोरोना मुक्त रखने के लिए सचिव रजनीश तिवारी ने जागरूकता अभियान चलाया है। देश भर में फैले कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए शासन और प्रशासन के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। गांव में यह कार्य गाँव के सरपंच और पंचायत सचिव कर रहे हैं। इस गाँव के पंचायत सचिव और सरपंच लगातार कोरोना योद्धा की भूमिका निभा रहे हैं। गाँव के सचिव और सरपंच द्वारा लोगों में जागरूकता भी फैलाई जा रही है। पंचायत सचिव के द्वारा गांव के प्रत्येक लोगों को मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए गए हैं। इसके साथ ही गांव के मुख्य द्वार पर सैनिटाइजर रखवाया गया है, जिससे गांव के लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा गांव के अंदर बाहर से आने वाले और जाने वाले लोगों की मनाही की गई है। वहीं अगर गांव का कोई व्यक्ति किसी विशेष कार्य से गांव के बाहर जाता है तो उसकी पूरी जानकारी रजिस्टर में लिखी जा रही है। ये तो मुंह और नाक को ढकने के लिए हम पंचायत द्वारा मास्क दिया जा रहा है और सैनिटाइजर भी उनको निःशुल्क प्रदाय किया जा रहा है। पूरे ग्राम पंचायत से अभियान चलाया जा रहा है, घर घर जाकर लोगों को समझाई दी जा रही है कि घर पर रहें, घर से बाहर न निकलें आप लोग। और जो हमारे क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो भी सहयोग कर रहे हैं, जो हमारे ग्रामीण जन हैं वो भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और जो ग्राम पंचायत के बेसहारा गरीब मक्कड़, जो ग्राम पंचायत के मजदूर हैं, शासन के निर्देशन द्वारा उनको भी हम ग्राम पंचायत द्वारा निःशुल्क राशन का वितरण किया जा रहा है। और जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको समझाइश देकर 14 दिनों के लिए उनको घर में ही क्वारंटाइन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।